अच्छा सो ऑलवेज ऑर्गेनिक 20 से कहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। बल्कि फर्स्ट थिंग इज सिर्फ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ढूंढते हैं इस पेपर में। दिस इज आई थिंक समर 20। तो विच डायग्राम इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एलॉय, अभी तक ऑर्गेनिक शुरू भी एंड में, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा सो द फर्स्ट वन इज उसने कहा कि अच्छा द क्वेश्चन इज कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी वाटर हैज़ टू बी प्योरिफाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम इट, विच प्रोसेस आर यूज्ड टू प्योरीफाई सी वाटर। तो फ्रैक्शन, खैर वो सी वाटर का क्वेश्चन है, उसको बाद में करते हैं। विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो फर्स्ट थिंग इज, ये भी हमने आइसोमर्स किया था, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सो वॉट इज ब्यूटेन? ब्यूटेन में कितने कार्बन आइटम्स होंगे, कौन बताएगा? फोर ठीक है, सो इट्स गोइंग टू हैव फोर कार्बन आइटम्स, ठीक है, एंड वो बाकी सारे एच है, आई एम नॉट ड्रॉइंग दी एच, बस ये सारे एच हैं, और एल्केन है, सो इट मीन्स ऑल ऑफ देम आर सिंगल बॉन्ड्स, सो दैट इज ब्यूटेन। तो रिमेंबर आई टोल्ड यू कि एन आइसोमर इज व्हेन यू हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, और ब्यूटेन का जो जनरल फॉर्मूला एल्केन्स का होता है सी एन एच टू एन प्लस टू, तो इट्स गोइंग टू बी सी फोर एच टू एन, तो दैट्स 8 + 2, दैट्स 10। या वो इधर गिन लो आप, ठीक है, यू कैन काउंट इट, इट्स गोइंग टू बी सी फोर एच टेन। कौन मुझे बताएगा इनमें से विच वन इज द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन? सी ठीक है, सी सी इज योर आइसोमर, क्योंकि सी के अंदर, और ये मैंने कहा था, आई टोल्ड यू देर आर टू थिंग्स, आई टोल्ड यू टू थिंग्स अबाउट हाउ टू मेक आइसोमर्स। वन वाज, यहाँ पे पहले मैं खोल लूँ, सो आइसोमर्स के बारे में आई टोल्ड यू कि कहाँ पे किया था हमने आइसोमर्स, स्टार्ट में, हाँ यहाँ पे, ये बंद करना। अच्छा आइसोमर्स के बारे में आई टोल्ड यू कि या तो आप उसकी ना ब्रांच चेंज कर दो, दे फोर कार्बन एटम्स इन अ लाइन, सो व्हाट यू कुड डू इज यू कैन हैव थ्री कार्बन एटम्स इन अ लाइन एंड यू कैन पुट अ ब्रांच इन द मिडल, ठीक है, दैट्स वन थिंग दैट यू कुड डू। या फिर एक पोजिशनल आइसोमर होते थे, विच वॉज के आप किसी एक ग्रुप की पोजिशन जो है ना उसको ऑल्टर कर दो, कि वो एंड एंड पे है तो उसको ऑल्टर करके आप बीच पे ले जाओ। इफ यू हैव ओ एच तो वो एंड पे लगा हुआ है तो उसकी पोजिशन आप चेंज कर दो, ठीक है, सो सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। वन सेकेंड, अच्छा सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू एंड दिस इज वन ऑफ देम, बट आई ऑल्सो टोल्ड यू कि आपने ना जो बेंट वर्जन है ना, दैट इज नॉट एन आइसोमर। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, इसके अंदर चार कार्बन आइटम्स, द फोर कार्बन आइटम्स आर स्टिल इन अ लाइन, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, देर एग्जैक्टली द सेम, बस आपने उसको बेंड किया हुआ है, ठीक है, दैट्स नॉट एन आइसोमर, दैट्स द सेम मॉलिक्यूल। अच्छा सिमिलरली इसके अंदर ना द फोर कार्बन आइटम्स आर अगेन स्टिल इन अ लाइन, उसको बस बेंड किया हुआ है, ठीक है, सो ये दोनों भी एग्जैक्टली सेम है, और इसके साथ क्या मसला है? हेलोजन्स ठीक है, उसके नंबर ऑफ एटम्स ही पूरे नहीं है, ठीक है, सो ऑलवेज बी केयरफुल के एक मॉलिक्यूल को बस ट्विस्ट करके ड्रॉ करने से ना, दैट्स नॉट एन आइसोमर, इट हैज टू बी अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, सो दिस वन इज एन आइसोमर। अच्छा नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहले तो मुझे क्विकली बताओ विच फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू दे बिलोंग टू? एल्केन ठीक है, दिस इज एल्केन्स, एल्केन्स इज सी एन एच टू एन प्लस टू, राइट, तो ईच वन ऑफ देम इज एन एल्केन, मतलब दैट्स सी एच फोर, दैट्स एन एल्केन, अगर थ्री कार्बन होंगे सो 3 × 2 6 + 2 दैट्स 8, दैट्स एन एल्केन, ठीक है, सो दे ऑल एल्केन्स। एल्केन्स के ना कोई ज़्यादा रिएक्शंस नहीं थे, तो जस्ट अ क्विक रिविजन कि होमोलोगोसीज में एल्केन्स के क्या क्या रिएक्शंस थे, कि यू हैड, ये तो नेमिंग है,
alkanes can do reactions. They just had a couple of reactions. Inko saturated kehte the hydrocarbons, theek hai, because they were all single bonds. So ek to answer wahi mil gaya ki they're all saturated compounds, and that's basically your answer. Unsaturated wo hote the jinme double bonds hote the. Which statement about the organic compounds? Nee, pehle gaur se isko dekh lo. Actually, sorry, they're not all alkanes. One of them is not an alkane. Which one is not an alkane? The second. Theek hai, exactly. This one is not an alkane, it's an alkene. It's CnH2n. Theek hai, the rest are alkanes. So one of them is not a, so they're a mix of saturated and unsaturated compounds. But ye jo baki alkanes are saturated, and the one with double bonds, that's an alkene. To iska matlab hai ye dono to ho hi nahi sakte. I said they're all hydrocarbons, that's true. Ye wali statement true hai ke they only contain carbon and hydrogen atoms, so that's true. Aur usse kaha hai ke only C2H4 and C2H6 decolorize bromine water. To ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है कि ये जो ब्रोमीन के साथ ये भी हमने कल रिएक्शन किया था कि सिर्फ एल्कीन्स जो होती है ना वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करती है. सो आई गोना क्विक रिवीजन ऑफ द रिएक्शंस कि एल्केन्स का जो रिएक्शन होता है वो Cl2 और Br2 के साथ होता है, बट विद यूवी लाइट प्रेजेंट, नॉट विद ब्रोमीन वाटर. उसके अंदर होता है कि वन ऑफ द एच गेट सब्स्टिट्यूटेड और ऑल ऑफ देम गेट सब्स्टिट्यूटेड. फिर एक कंबशन रिएक्शन होता था, वो तो सारों की होते थे. देन एल्केन्स ऑल्सो हैड, यू हैड क्रैकिंग ऑफ ऑयल, कि आप लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक कर सकते हो छोटे पीसेस में, जो मर्जी पीस बने, ठीक है. एंड फॉर दैट यू नीड स्पेसिफिक कंडीशंस, हाई टेम्परेचर 450 सेंटीग्रेड एंड कैटलिस्ट. और फिर एक था कि एल्कीन्स के ऊपर, एल्कीन्स के काफ़ी एडिशन रिएक्शन होते थे कि वन वॉज ब्रोमिनेशन, दैट वॉज ब्रोमीन वाटर और ब्रोमीन एक्वस, कि डबल बॉन्ड खत्म होता था. तो दिस वॉज अ टिपिकल रिएक्शन फॉर एल्कीन्स. एंड आई टोल्ड यू दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. आई टोल्ड यू कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रोमिनेशन इज दैट इट्स यूज एज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एल्कीन्स और ऑल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो रेड ब्राउन Br2 जो होती थी वो डीकलराइज होती थी इसके अंदर. सो व्हेनेवर यू सी अ डबल बॉन्ड उधर जाके ना Br अटैच हो जाता है. और उसके फिर हाइड्रेशन का भी रिएक्शन होता था, हाइड्रोजनेशन का भी होता था. सो यू हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिएक्शंस. तो इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली ही सेइंग कि C2H4 ये तो करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट. एंड आई कैन इवन राइट द रिएक्शन. C2H4 क्या होगा? ईथीन. इट्स गोइंग टू बी कार्बन विद द एच पूरे कर लो. तो इसका जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दैट द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक इन द मिडल, एंड इन दैट पोजिशन देर वुड बी टू ब्रोमीन्स दैट विल गेट एडेड. तो एक ब्रोमीन और एक और ब्रोमीन विल गेट एडेड. सो दैट्स गोइंग टू बी फॉर्म्ड. बट दिस इज एन एल्केन. एल्केन्स का ब्रोमिनेशन नहीं होता, ठीक है. सो नेक्स्ट वन, 35. The alkenes are a homologous series. Which statement about alkenes is correct? An alkene molecule contains 4 fewer hydrogen atoms than an alkane molecule with the same number of carbon atoms. Is this true or not? General formulas kya hain ke? Alkane ka CnH2n plus 2 hai. Alkene ka kya hota hai? CnH2n. To कितने हाइड्रोजन्स कम होते हैं एल्कीन में? 2. ठीक है, बस प्लस 2 का फर्क है. सो देर वुड बी 2, नॉट 4, देर वुड बी जस्ट 2 हाइड्रोजन्स दैट वुड बी लेसर. तो पहला गलत है. अच्छा, इफ अ फूड इज डिस्क्राइब्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड, इट मींस दैट इट कंटेन्स पॉलीमर्स. अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है. तो पॉली अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? मतलब पॉली का क्या मतलब होता है? ये तो पता होगा, पॉली 5. नहीं, वो पेंट का मतलब 5 होता है. पॉली का मतलब होता है ढेर सारे.
ठीक है मतलब ये मैथ में भी आ रहा होता है पॉलिनोमियल्स और ये सारा पॉलीमर आ रहा होता है तो पॉली मीन्स मेनी ठीक है तो इसका मतलब है कि दे आर मेनी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सो इफ अ मॉलिक्यूल इज डिस्क्राइब्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड मतलब दिखा देता हूँ अगर पॉली अनसैचुरेटेड वन सेकेंड तो स्ट्रक्चर हाँ तो ये देख लो कि ये इस तरह का मॉलिक्यूल होगा पॉली लेट्स से दिस वन सो यू सी के दिस इज मोनो अनसैचुरेटेड मोनो का मतलब वन है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल बीच में एक जगह पे ना कार्बन और कार्बन के बीच में देयर इज अ डबल बॉन्ड दिस वन इज पॉली अनसैचुरेटेड इसका मतलब है कि एक से ज्यादा ढेर सारे ठीक है सो दिस इज पॉली अनसैचुरेटेड इज दिस क्लियर पॉली का मतलब पता है क्लियर है ग्राफिक क्लियर है मीना हिल अच्छा सो नहीं तो कहीं और पहुंच के हम एक सेकेंड यहाँ पे अच्छा सो दिस वन इज रॉन्ग एज वेल कि पॉली का मतलब पॉलीमर नहीं है ठीक है डजंट मीन पॉलीमर अच्छा प्रोपीन रिएक्ट्स विद स्टीम पॉलीमर्स भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सो व्हाट्स अ पॉलीमर हम कल एल्कीन्स पढ़ रहे थे एंड आई टोल्ड यू के इनके रिएक्शंस Br2 के साथ H2 के साथ H2O के साथ ठीक है उसमें क्या होता है बस ये डबल बॉन्ड खत्म होगा Br2 ऐड हो जाएगा H2 ऐड हो जाएगा H2O ऐड हो जाएगा H और OH देन देयर वाज अ थिंग कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन उसके अंदर होता था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में होता था कि आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं दीज आर नोन एज मोनोमर्स एंड व्हाट वुड इवेंचुअली हैपन इज दैट दे वुड स्टार्ट टू कनेक्ट विद ईच अदर And when they connect, so you get this one very large molecule. Aur wo hazaron is tarah ke monomers jo hai na, they join up and they connect. So we did the example of ethene. Aur uske andar maine kaha tha ki addition reaction hota hai ki you have a double bonds in all these molecules. The double bond has to be there. It has to be unsaturated. It has to be an alkene. तो होता क्या था कि वो डबल बॉन्ड्स बीच में यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं और जब वो ख़त्म होते हैं दैट्स द फर्स्ट थिंग मतलब इस तरह जुड़ते हैं कि द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज द डबल बॉन्ड गोज अवे एंड व्हेन इट गोज अवे तो फिर उनके आपस में ना लिंकेजेस बनना शुरू हो जाते हैं कार्बन नीड्स अनदर बॉन्ड सो दे स्टार्ट कनेक्टिंग विद ईच अदर तो आई टोल्ड यू के आई मीन दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट दैट्स अ मोनोमर एंड दैट्स अ पॉलीमर तो आपके जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं दे ऑल पॉलीमर्स तो इसका मैंने एग्जांपल किया था कि अगर आपको प्रोपीन का कोई भी मॉलिक्यूल दे दिए ठीक है लेट्स से यू आर गिवन प्रोपीन प्रोपीन का मतलब है देयर वुड बी थ्री कार्बन एटम्स एंड देयर इज गोइंग टू बी अ डबल बॉन्ड एंड देयर इज गोइंग टू बी एच और इसके साथ भी एच होंगे तो मैंने कहा था कि पहला काम ये करना है कि डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट के ऊपर ना कुछ भी ड्रॉ नहीं करना मतलब अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट पे ना कुछ भी ड्रॉ नहीं करना तो आपने क्या करना है ये जो H बना हुआ ना ये वाला इसको उठा के बेंड करके नीचे की तरफ ले जाओ मतलब और कुछ भी नहीं करना बस उसको उधर ही लगे रहने दो बस उसको बेंड करके नीचे की तरफ ले आओ और इस साइड पे ये पूरा सी एच थ्री उठा लगा हुआ है तो इसको भी आपने कुछ नहीं करना है इसको बस बेंड करके नीचे की तरफ ले आओ तो ये जो सी और तीन एच थे ना इनको आप उठा के नीचे की तरफ रख दो ठीक है तो डबल बॉन्ड के राइट लेफ्ट पे कुछ नहीं आपने बस उसको बेंड करना है हमजा क्लियर है yes. और फिर उस तरह के ढेर सारे रिपीट यूनिट ड्रॉ करने वो जितने मर्जी आप ड्रॉ करो और हर के साथ क्या होगा हर के साथ फिर यही होगा कि इनके बीच में जो डबल बॉन्ड्स है ना वो सारे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे सो गेट रिड ऑफ द डबल बॉन्ड्स सो डबल बॉन्ड्स आर गोइंग एंड द कार्बन्स आर नाउ शॉर्ट ऑफ बॉन्ड्स सो दे वुड स्टार्ट टू लिंक विद ईच अदर So they would all start linking up with each other.
तो ये आपका पॉलीमर बनेगा, ठीक है? सो इज दिस क्लियर? यस तो ये एक और एग्जांपल थी कि कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा ना, उसको उसके बाद राइट पे जो भी होगा ना, उसको या तो ऊपर की तरफ ले जाओ या उसको नीचे की तरफ ले जाओ, और उसके लेफ्ट पे जो भी होगा उसको ऊपर नीचे की तरफ ले जाओ, ठीक है? अच्छा, सो किधर गया? सो दैट्स एडिशन पॉलीमर्स, रिमेम्बर दैट्स एडिशन पॉलीमर्स। सो दैट्स व्हाट अ पॉलीमर इज। तो आपके प्लास्टिक्स होते थे, और इसके अंदर हमने पढ़े थे कि इसके अंदर दो तीन स्पेसिफिक, एक तो हमने वो पॉलीथीन पढ़ा था, एक पीवीसी पढ़ा था, ये जो जो मैंने बताया था आप खिड़कियां बनाते हो, पाइप्स, टाइल्स, डोर्स बनते हैं, विंडोज बनती हैं, ये सारी पीवीसी से बनती हैं। तो पीवीसी का जो मोनोमर होता है दैट्स लाइक दिस, इट्स लाइक एन इथीन मॉलिक्यूल बट विद इथीन मॉलिक्यूल बट विद अ सी एल एटम, वन ऑफ देम इज अ सी एल एटम। और एक टेफलॉन था जो कि नॉन स्टिक होता था, वो भी इथीन की तरह होता था, बस ऑल ऑफ देम वर एफ इंस्टेड ऑफ एच। तो दैट वॉज टेफलॉन, उसमें भी यही होता है, वो सारे आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये फिर हमने एग्जाम्पल्स किए थे, दैट्स इट। और हार्मफुल इफेक्ट्स हमने पढ़े थे, ये पॉलीमर्स प्लास्टिक्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के हैं, कि यू नीड लैंडफिल साइट्स, तो आपको उनको डंप करना पड़ता है डिफरेंट जगहों पे। बर्न करोगे तो दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन, एंड एनिमल्स कैन चोक एंड डाई ऑन देम, एंड दे नॉन बायोडिग्रेडेबल, टेक्स 500 ईयर्स फॉर देम टू एक्चुअली गेट यूज अप और ब्रोकन डाउन, ठीक है? सिस्टर यस अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि प्रोपीन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म प्रोपेनॉल, ये रिएक्शन होगा। प्रोपीन क्या होता है? दैट्स थ्री कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड, एच पूरे कर लो, तो इसका एक एच होगा और इसके साथ ना तीन एच होंगे। तो ये वाटर के साथ, रिमेंबर तीन एडिशन रिएक्शंस होते हैं, वाटर के साथ हो जाए, बीयर टू के साथ हो जाए, या फिर एच टू के साथ। दे थ्री एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, एंड इन ईच वन ऑफ देम द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू गो, एंड वेन द डबल बॉन्ड गोज, तो ये अगर वाटर के साथ है तो एक जगह पे एच ऐड हो जाएगा और एक जगह पे ओ एच अटैच हो जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों जो कार्बन एटम्स है ना, इनके साथ एच और ओ एच अटैच हो जाएगा, ठीक है? सो प्रोपीन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म प्रोपेनॉल, एंड दैट इज ट्रू। कि उसने कहा विच स्टेटमेंट अबाउट एल्कीन्स इज करेक्ट, सो दैट इज करेक्ट। इज दिस क्लियर? यस सर और आखिरी वाला गलत क्यों है? कि एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सी एन एच टू एन होता है, नॉट सी एन एच टू एन प्लस टू। अच्छा, नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज एज अ सॉल्वेंट, अ रिन्यूएबल फ्यूल एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर एज वेल। सो आउट ऑफ दीज कैन यू वन गेस के विच वन इज यूज एज अ सॉल्वेंट एंड अ रिन्यूएबल फ्यूल एंड इज ऑल्सो यूज एज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर? राफे, कोई आइडिया? एथेनॉल हाँ, बी एथेनॉल। हाँ ठीक है, इट्स गोइंग टू बी एथेनॉल, क्योंकि रिमेम्बर अल्कोहल्स का याद रखना कि एक तो रिन्यूएबल फ्यूल्स है, और ये हम वो रिवाइज कर लें पहले कि कहाँ गया हमारे पास, इसके बाद अल्कोहल्स था ना, तो अल्कोहल्स होते थे कि अल्कोहल्स में ओएच होता था, ठीक है? वो क्विक रिविजन करते हैं। तो अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती थी? दे हैड हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सॉलेबल इन वाटर, तो ज़्यादातर लिक्विड्स होते थे, गैसेज नहीं होते थे। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स, एक वो बनते थे एल्कीन से कि वाटर ऐड कर दो, स्टीम ऐड कर दो, तो एच और ओ एच ऐड हो जाता था, और एंड इट वुड टर्न इन टू एन अल्कोहल। दी अदर वन वॉज के फर्मेंटेशन होता था, फर्मेंटेशन का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, कि आप ग्लूकोज लेते हो और उसको ना यीस्ट डालते हो उसके अंदर, तो वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सो रिमेंबर वेन यू यू थिंक ऑफ एथेनॉल एल्कोहल्स, तो मोस्टली आप एथेनॉल की बात कर रहे होते हो, क्योंकि मेजर लार्ज स्केल के ऊपर ना यू आर ऑलवेज मेकिंग एथेनॉल, कोई और अल्कोहल जो होता है वो आप नॉर्मली नहीं बना रहे होते, क्योंकि ग्लूकोज से ना बनता ही वो है।
So it's going to form ethanol and carbon dioxide, right? So aap usme yeast add karte ho. Now yeast is your biological catalyst and anaerobic respiration. You have to prevent oxygen from coming in. And the temperature should be room temperature, because zyada high temperature ke upar yeast jo hai wo mar jati hai. Aur zyada lower temperature ke upar yeast jo hoti hai, that's inactive. Theek hai, it's not active. जब आप यीस्ट डालते हो ना पिज़्ज़ा डो के अंदर और केक्स के अंदर, तो उसको गर्म पानी के अंदर आप उसको थोड़ा सा वार्म वाटर लेते हो ताकि वो एक्टिवेट हो जाए. अच्छा, ओ टू प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि अल्कोहल जो है, ये लिखा हुआ अभी यहाँ पे, वो जो आपका अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथनोइक एसिड में, जो कि विनेगर होती है. ठीक है, सो योर अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड टू विनेगर. और बेस्ट 25 से 35 ये शो कर रहा है कि इससे ऊपर यीस्ट मर जाती है, इससे नीचे यीस्ट इनएक्टिव होती है. अच्छा, फिर मैंने बताया था अल्कोहल की जो यील्ड होती है ना बहुत लो होती है, क्योंकि मसला ये होता है कि जैसे ही अल्कोहल बनता है ना, वो जो चीज़ उसको बना रही होती है यीस्ट, वो उसी को मार देता है. तो जैसे ही अल्कोहल प्रोड्यूस होगा ना, वो इट विल डी नेचर द यीस्ट. अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट होता है, इसलिए वो आपके हैंड सैनिटाइजर्स में होता है. तो it basically kills the very thing that's actually making it. और फिर इसको alcohol को निकालते किस तरह mixture में से? Distillation करते हैं. Distillation का मतलब है आप alcohol को evaporate करते हो, फिर उसको दूसरी जगह पे condense कर देते हो. तो ये alcohol का है. और alcohol का use जो है, अच्छा use मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं add भी कर देता हूँ just क्योंकि उसमें उसने पूछा हुआ भी था. ये पता होना चाहिए वैसे जनरल नॉलेज का कि एक तो वेस्ट के अंदर अल्कोहल इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, स्पिरिट्स के तौर पे, सैनिटाइजर्स के अंदर यूज़ होता है, बट वन मेजर यूज इज इट्स यूज एज अ फ्यूल, एज अ रिप्लेसमेंट फॉर पेट्रोल, एंड इट्स रिन्यूएबल, क्योंकि आप इसको दोबारा ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये शुगर्स वगैरह से बनता है, तो आप इसको बार बार ग्रो कर सकते हो. सो दैट्स what this question was about. Acha, which structure shows the carboxylic acid with the lowest relative molecular mass? Sabse chota carboxylic acid. Mujhe waise bata do, sabse chota carboxylic acid ka naam kya hoga? Matlab sabse pehla carboxylic, anyone, sabse chota carboxylic acid, uska naam kisse start hota hai? Matlab counting kisse start hoti hai? ऑर्गेनिक पे एक कार्बन एटम वाली क्या चीज होती है? हमजा, उसका नाम क्या होगा? मुर्तजा, रफे, एक कार्बन एटम. हमजा, आवाज आ रही है? हाँ सर, वॉइस इज लाइक यार. ठीक है, अभी क्लियर है सर को? मैं वो कह रहा था कि एक कार्बन एटम, उसे कहा था कि द स्मॉलेस्ट, ही इज सेइंग कि व्हिच स्ट्रक्चर शोस द कार्बोक्सिलिक एसिड विद द रिलेटिव विद द लोएस्ट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल. व्हाट्स द नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विद वन कार्बन एटम? स्टार्ट किससे होगा नाम? ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी मेथनोइक एसिड, दैट्स द स्मॉलेस्ट वन. मेथनोइक एसिड में सिर्फ एक कार्बन एटम होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड हैव दिस स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, जो कि कहीं ना कहीं इससे ऊपर हमने किया था. कहाँ पे किया था? इससे पहले किया था, रिएक्शन से पहले, जहाँ पे हमने ये सारा लिखा था. आई टोल्ड यू कि व्हाट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड इज, they have this functional group. They always have serial bond O and OH, all of them. So they always have serial bond O and OH. और वो कार्बन के बॉन्ड्स पूरे नहीं हुए तो एक H वैसे लगा दो. तो अब मुझे बताओ कि कौन सा इनमें से, मतलब I've drawn the smallest carboxylic acid. A B C D में से कौन सा है? ठीक है, ए है. रिमेंबर वो बॉन्ड्स बस उसने ऊपर नीचे किए हुए कि देयर इज अ डबल बॉन्ड ओ एंड देयर इज एन ओएच, सो इट्स द सेम थिंग, डबल बॉन्ड ओ एंड ओएच, बस एंगल उसने चेंज किया. व्हाट्स द नेम ऑफ दिस, इज दिस अ कार्बोक्सिलिक एसिड?
Yes, sir. Okay, it's maybe double bond O and OH here. What's the name of this? Ethanoic acid. It's ethanoic acid, you get the two carbon atoms. I said, then you have esters and you're being asked to name esters. So, can't get them esters. I said, esters ki division alkene se to aage yoga alcohols ke kareeb kareeb. Iske baad oxidation of alcohols, ek second. Esters kitha gaya? ये तो रिएक्शन है हाँ ये esters है तो let's revise what esters were तो esters थे कि there were sweet smelling oily liquids और उसके अंदर mainly क्या था कि you had sweet smelling oily liquids food flavors और perfumes के अंदर use होते हैं और एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना दैट्स इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल देयर इज ये मैं हटा दूं अच्छा इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल देयर इज एसिटाइल बॉन्ड ओ एंड ओ ये स्ट्रक्चर होता है स्पेसिफिकली दैट्स द फंक्शनल ग्रुप इस साइड पे कार्बन चेन होती है मतलब इस साइड पे मस्ट होता है कार्बन होगा उस साइड पे एच भी हो सकता है एच और कार्बन चेन सो दिस इज एन एस्टर एसिटाइल बॉन्ड ओ एंड ओ इन द मिडल अब एस्टर्स बनते किस तरह हैं दिस एन अल्कोहल रिएक्टिंग विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्रोड्यूस एस्टर एंड अ वाटर मॉलिक्यूल ठीक है सो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है कंडीशंस क्या होती है रिफ्लक्स विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज नोन एज एस्टरफिकेशन और कंडेंसेशन क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लक्स तो रिफ्लक्स का मतलब है कंडेंसर केमिस्ट्री एक सेकेंड अच्छा रिफ्लक्स इज दिस थिंग कि ओपन इमेज न्यू टैब अच्छा दिस इज व्हाट अ रिफ्लक्स एपरेटस लुक्स लाइक रिफ्लक्स सिंपली आप हीटिंग हीट करने को कहते हैं मतलब जिस तरह उसने हॉट प्लेट रखा हुआ है मैग्नेटिक स्टरर रखा हुआ है तो रिफ्लक्स का सिर्फ मतलब होता है कि आप उसको हीट कर रहे हो बस फर्क ये होता है कि ऊपर एक कंडेंसर लगाया होता है क्योंकि जब उसको उसको आप हीट करते हो ना तो व्हाट हैपेंस इज कि खासतौर पे आप ऐसी चीज़ को हीट करो जो जल्दी से इवेपरेट कर जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बाहर निकल के एस्केप कर जाएंगे ठीक है यू डोंट वांट देम टू एस्केप जैसे अगर पानी कोई पानी को कह रहे हैं उसको हीट करो और उसका रिएक्शन करो तो पानी तो जैसे खाना बना रहे थे उसमें से अक्सर पानी इवेपरेट कर जाता है इस तरह अल्कोहल्स को हीट करोगे तो वो बहुत जल्दी इवेपरेट अल्कोहल्स बहुत जल्दी इवेपरेट होते हैं हैंड सैनिटाइजर्स का पता है कि वो बहुत जल्दी इवेपरेट होते हैं सो द कंडेंसर इज देयर ताकि अगर वो मॉलिक्यूल्स इवेपरेट होना तो ऊपर वो कोल्ड वाटर होगा तो वो उसको दे वुड लूज हीट एंड दे वुड फॉल बैक इन टू द कंटेनर सो दे सो यू नॉट गोइंग टू लूज द पार्टिकल्स तो वो इवेपरेशन वगैरह को रोकने के लिए होते हैं सो दैट्स दैट इज वॉट रिफ्लक्स इज तो रिफ्लक्स का बस ये सोचना कि इट्स इट्स वन सेकेंड इसको क्लियर करना है सो रिफ्लक्स का आपने ये सोचना है कि इट्स इट्स नथिंग स्पेशल इट्स जस्ट दैट यू हैव पुट यू आर हीटिंग इट विद अ कंडेंसर ऑन टॉप अच्छा एनीवेज और वापस तोड़ भी सकते हो एस्टर को यू ऐड डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एल्कली इन रिफ्लक्स तो वो हाइड्रोलिसिस कहते हैं ठीक है एंड दिस इज व्हाट हैपेंस कि आपने कोई भी अल्कोहल पकड़ना है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ना है उन दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप है ना उनको आपने सामने रखना है इसका ओ एच रिमूव करना है उसका एच रिमूव करना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है बीच में से ये ओ एच और एच मिल के ना दे वुड फॉर्म वाटर सो दैट्स हाउ ऑल एस्टर्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन अल्कोहल दिस वन इज ब्यूटेनॉल एंड दिस इज एथनोइक एसिड एक मॉलिक्यूल को उल्टा करके ड्रॉ करना पड़ेगा इसका ओ एच हटाओ उसका एच हटाओ डजेंट रियली मैटर किसका एच हटा रहे हो किसका ओ एच उठा रहे हो आंसर वही आता है इस कार्बन को जाके जोड़ दो उस ऑक्सीजन के साथ सो इट्स गोइंग टू बी सो आई एम गोइंग टू डू अ रैंडम रिएक्शन ओवर हियर कि लेट्स से आई हैव एथनोइक एसिड सो दैट्स डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच और ये इसके साथ तीन एच होंगे एंड आई हैव एन अल्कोहल लेट्स से प्रोपेनॉल है
और प्रोपन टू ऑल एज, यानी OH जो है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ 3H होंगे, इसके साथ दे वुड बी 3H's और इसके साथ 1H होगा। मैंने कंडेंस ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इन दोनों का रिएक्शन करना है तो मैंने कहा है कि एक इनके फंक्शनल ग्रुप आमने सामने होने चाहिए, तो इस मॉलिक्यूल को मैं उठा के ना आई एम जस्ट गोइंग टू ट्विस्ट इट ताकि ताकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके सामने आ जाए, ठीक है। तो मैंने उसको उसको टेढ़ा कर दिया, इसका OH रिमूव करो, उसका H रिमूव करो और दोनों को आप कनेक्ट कर दो, सो दैट इज द मॉलिक्यूल। इसको हम सीधा कर लेते हैं जस्ट क्विकली, मतलब सी एस दीज, ठीक है। इज दिस क्लियर, सारों को क्लियर है? मुइज़, हमजा, क्लियर है? अच्छा, सो दैट इज व्हाट एन एस्टर इज, दैट्स हाउ एस्टर्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड। नेमिंग किस तरह होगी? नेमिंग होगी कि जो अल्कोहल वाला पार्ट है ना, ये चार कार्बन एटम्स होंगे तो ब्यूट होगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, मतलब उसकी दो साइड होंगी मॉलिक्यूल की, वन साइड हैज फोर कार्बन एटम्स, द अदर साइड हैज टू कार्बन एटम्स। सो डबल बॉन्ड ओ वाली साइड का नाम एंड होगा OH से, और सिंगल ओ वाली साइड जो होगी जहाँ पे सिंगल ओ वाला है, दैट्स वाइल, बाकी वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लो। मतलब एज एन एग्जाम्पल, इफ अगर इसको नेम करना है तो दिस इज प्रॉप, दिस इज ब्यूट, क्योंकि चार कार्बन एटम्स हैं। डबल बॉन्ड ओ जिधर होगा वो ब्यूटनोएट हो जाएगा, दिस वुड बी प्रोपाइल, सो द नेम वुड बी प्रोपाइल ब्यूटनोएट। उसी तरह इसकी नेमिंग, ये मेथ है, ये एथ है, टू कार्बन एटम्स वन कार्बन एटम, ये मेथनोएट होगा क्योंकि दिस डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे सिंगल ओ है तो दिस इज इथाइल, सो इट्स इथाइल मेथनोएट। इज दिस क्लियर? नहीं, अगर वायल वाला क्या करे, मुझे नहीं समझ आई क्या कह रहे हो। हाँ, मतलब नहीं, वो नाम में फिर लिखते हैं, वो वायल वाला पहले लिखते हैं और वेट वाला बाद में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन उधर मैं क्या था आइडेंटिफाई करना ना, ये दो कार्बन एटम्स, दैट्स एथ, एक कार्बन एटम दैट्स मेथ, जो डबल बॉन्ड ओ वाला है दैट्स OH, जो सिंगल ओ वाला है ना दैट्स वाइल। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एस्टर्स की ना, लेट्स ट्राई एंड मेक एस्टर्स एंड लेट्स ट्राई एंड नेम एस्टर्स। तो यहां पे करते हैं कि ब्यूटनोइक एसिड, प्लस मेथनॉल। अच्छा, मेथनॉल में तो एक ही कार्बन होगा, ब्यूटनोइक में चार कार्बन एटम्स होंगे, सो दैट्स वन टू थ्री एंड फोर, एंड सिंस इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड सो इट्स गोइंग टू बी डबल बॉन्ड ओ एंड OH। अच्छा, मेथनॉल में सिर्फ एक ही कार्बन होगा, उसी के साथ OH होगा, उसकी डायरेक्शन इस साइड पे बना दो। अच्छा, इसके साथ 3H होंगे, इसके साथ 2H होंगे, दिस विल ऑल्सो हैव 2H's एंड दिस वन विल हैव 3H's। बीच में से OH और H रिमूव कर दो, तो आपका जो मॉलिक्यूल, हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो ये दोनों को बीच में निकालो, वाटर बन गए, कंडेंसेशन हुई है और ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। इसमें वाटर को भी हम एक्सप्लिसिटली लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस, अच्छा, नेमिंग इसकी, ये वाली साइड मेथ है
और ये वाली साइड चार कार्बन एटम्स, दैट्स ब्यूट. तो सिंगल ओ वाली साइड जो होगी दैट वुड बी वायल, एंड दिस साइड वुड बी ओ एट. तो इसका नाम जो होगा मिथाइल ब्यूटेनोएट होगा. ठीक है मुझे, इज दिस क्लियर? मिथाइल क्लियर? मुर्तजा क्लियर है? जी सर. सो दिस वन वुड बी मिथाइल ब्यूटेनोएट. तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किधर गया क्वेश्चन. वो कह रहा है ये क्या है, इसका नाम बताओ. कौन बताएगा इसका नाम? एक साइड पे चार कार्बन एटम्स है और दूसरी साइड पे ना तीन कार्बन एटम्स है. तो ये वाली साइड क्या होगी? ब्यूट. थ्री कार्बन एटम्स वुड बी प्रॉप. अब बताओ वाइल किधर लगाऊं, प्रॉप के साथ या ब्यूट के साथ? अच्छा ठीक है वो वायल होगा और ये ओ एट होगा, एन ओ एट. ठीक है दैट वुड बी ओ एट. तो इसका नाम होगा प्रोपाइल ब्यूटन ओ एट. ठीक है दैट्स व्हाट द नेम इज गोइंग टू बी. और इसका नाम है, अच्छा 39 पे चले जाते हैं. ठीक है जस्ट मेक श्योर कि वहां पे हमने ढेर सारे एग्जांपल्स किए. अच्छा नेक्स्ट इज ये वो क्वेश्चन आ गया मोनोमर्स का, ये अभी हमने किया था. तो इसमें क्या करोगे, यू हैव एन एल्कीन, वो कह रहे हैं कि पॉलीमर बनाओ. तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड के ना राइट और लेफ्ट पे कुछ नहीं होना चाहिए. तो इसके राइट साइड पे तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग हियर. ठीक है तो यहाँ पे तो ठीक है, इधर कुछ भी नहीं करना. इसके लेफ्ट साइड पे ये पूरी चीज़ है, मतलब सी और तीन एच है, CH3. तो इसको उठा के ना आप ऊपर की तरफ ले जाओ. तो मतलब मैं इसको दोबारा रीड्रॉ करूंगा, इट्स गोइंग टू बी डबल बॉन्ड और सी एल वही है, एच वही है. अच्छा एक ये एफ था वो नीचे था तो वो भी ठीक है. वो जो राइट साइड पे पूरा CH3 बना हुआ है ना, इसको मैं बेंड करके ऊपर की तरफ ले जाता हूँ. इज दिस क्लियर? ये क्लियर है सारों को? Yes. और पॉलीमर किस बनेगा कि यही चीज ना इसको रिपीट करते जाओ. तो दिस गोइंग बी सी एल एंड दिस गोइंग बी एच, और फिर ये CH3 है और एफ है. डबल बॉन्ड्स बीच में से ख़त्म होते जाएंगे एंड दे वुड स्टार्ट कनेक्टिंग विद ईच अदर. तो इसका डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड, इस तरह के हज़ारों मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है सो दे वुड ऑल स्टार्ट ज्वाइनिंग अप. तो सर विच डायग्राम शोज द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलीमर. तो मेरे ख्याल से ये इससे मिलता जुलता ये एक ये वाला है आई थिंक जो हमने बनाया ना, इसको छोटा कर लें एक सेकेंड. हाँ ये वाला है कि देयर इज अ CH3, वो है सी एफ है और सी एल है. सो दिस वन इज द सेम एज दिस वन. ठीक है दैट्स द स्ट्रक्चर. अच्छा लास्ट वाला ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर. सो देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ये एडिशन पॉलीमराइजेशन थी. तो मेरे ख्याल से हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसी और उसमें की है. जस्ट वन सेकेंड, मैं ये नहीं सो यम ये कर रहे थे. हाँ यहाँ पे. अच्छा कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते थे कि ये पूरा याद रखना था कि देयर वाज दे वर मॉलिक्यूल्स वे वाटर वॉज प्रोड्यूस्ड. मतलब सेम चीज़ होती थी कि यू हैड पॉलीएस्टर्स जहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता जिसके दोनों साइड्स पे OH होता था, एक मॉलिक्यूल होता था जिसके दोनों साइड्स पे कार्बोक्सिलिक एसिड होते थे. चलो ये वाला पार्ट हम फिर नेक्स्ट टाइम ही करते हैं क्योंकि ये पूरा फिर हम गो थ्रू करेंगे. तो जिसका आखिरी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का मैं पेपर लिख देता हूँ कि कौन सा पेपर हम कर रहे थे. ट्राई एंड, और मैं अब पेपर्स असाइन करूंगा. ट्राई एंड डू दोस पेपर्स. ठीक है अच्छा ये वाला जो हम पेपर अभी कर रहे थे ना, दैट वाज मैं लिख देता हूँ 50.
ठीक है, इसके ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, ठीक है, डोंट वरी कि ओ लेवल्स का, लेकिन इट्स द सेम सेम पेपर, ठीक है। चल ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टुमारो। आप लोग ना ट्राई एंड डू, मैं पेपर साइन करता हूँ, एक सेकेंड, 0620 समर 16 से स्टार्ट कर लो। ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस पेपर, ठीक है, द सेकेंड वन। चल ठीक है एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।